एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है, कोरोना ब्रेकिंग। सोनीपत में कोरोना के कुल केस 24 हो गए हैं। देखिए सोनीपत में ये जो कोरोना संक्रमण का खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत जरूरी है आपको कि कोरोना संक्रमण के खतरे को समझना। स्टाफ नर्स का पति कोरोना संक्रमित हुआ है, तो देखिए स्वास्थ्य विभाग में भी कोरोना संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया। जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो कि सीधे कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आ रहे हैं, उनमें और उनके परिवार में भी कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। दोनों को कानपुर रेफर कर दिया गया है और अब सोनीपत में यह आंकड़ा जो है कोरोना संक्रमण का वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोनीपत में कोरोना के कुल 24 केस अब तक हो चुके हैं। बहुत जरूरी है सावधानी बरतना, क्योंकि थोड़ी छोटी सी लापरवाही जो है वो आपको मौत के मुंह में धकेल सकती है। कोरोना संक्रमण एक ऐसी बीमारी जिसकी अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी है, लेकिन सावधानी जो है वो एक सोशल वैक्सीन के तौर पर ही काम कर सकती है। और दिक्कत यहाँ पर अभी आ गई है, चिंता ये बढ़ गई है कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनमें भी कोरोना संक्रमण का खतरा इस कदर बढ़ गया है, क्योंकि वो लगातार कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आ रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। अब ऐसे में उन पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो बहुत जरूरी हो गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और सोशली आपको ये समझने की जरूरत है कि आज की सावधानी आपके कल के भविष्य को तय करेगी। और फिलहाल आपको सोनीपत का हाल हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ नर्स का जो पति है वो भी कोरोना संक्रमित हुआ है। स्टाफ नर्स की सास भी कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाई गई है। तो बता दें 25 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी नर्स की रिपोर्ट, जिसके बाद उसके परिवार की रिपोर्ट भी यहाँ पर की गई थी, जिसमें परिवार की रिपोर्ट में भी वो पॉजिटिव आए हैं। तो फिलहाल आपको ये बड़ी खबर बता दें, पुलिस लाइन में कम्युनिटी सेंटर सील कर दिया गया है। सोनीपत में कोरोना के कुल 24 जो केस हैं वो अब यहां पर हो गए हैं। देखिए कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार इस कदर बढ़ रहा है, दो मामले अब तक सामने आए हैं। जानकारी हम आपको दे दें, स्टाफ नर्स का पति कोरोना संक्रमित जो है वो यहां पर पाया गया है। दीपक वर्मा संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्योंकि सोनीपत में अब मामला जो है संक्रमण का, कोरोना संक्रमण का, वो 24 हो गया है, जिसमें एक जो स्वास्थ्य कर्मी है, स्टाफ नर्स है, वो और उसका परिवार भी कोरोना संक्रमित हो गया है। जी बिल्कुल, यही स्थिति है। अभी देर रात को ये दो केस आए थे, जो स्टाफ नर्स दिल्ली के बाबू जगजीवन अस्पताल में काम करती है, उसके पति और सास को भी देर रात पॉजिटिव बताया गया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। दोनों को आइसोलेटेड किया गया है। इस तरह से सोनीपत में कुल 24 केस हो गए हैं, जो कि पहले 22 थे, लेकिन देर रात दो मामले बढ़ने के बाद 24 हो गए हैं। और जो दोनों हैं, वो क्या नाम है, जो सास है वो 60 वर्षीय है और जो पति है वो तकरीबन 38 वर्षीय है, और दोनों को खानपुर रेफर किया गया। इससे पहले जो स्टाफ नर्स जो आई थी पॉजिटिव आई थी वो दिल्ली के रिकॉर्ड में दर्ज थी, लेकिन वो खानपुर ही आइसोलेटेड थी। जी दीपक, हालांकि फिलहाल लॉकडाउन का कितना असर सोनीपत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आंकड़ा लगातार, संक्रमण का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है ये समझना कि लोग कितना समझ रहे हैं इसके खतरे को, लोग कितना समझ रहे हैं नियमों को। जी, लॉकडाउन का कुछ जो असर है वो तकरीबन सफल ही कह सकते हैं सोनीपत में है, क्योंकि बहुत कम संख्या में हालांकि वाहन निकलते हैं, लेकिन जो प्रशासन द्वारा जिनको मंजूरी दी गई है, तकरीबन 1.5 से 2 हजार ऐसे लोग हैं जिनको मंजूरी दी गई है, जिनमें कुछ विशेष तौर पर किराना वाले और मेडिकल स्टोर वाले, इसके अलावा जो जरूरी चीजें थी, जैसे खेती का सीजन है, गेहूं कटाई का सीजन है, तो गेहूं के औजारों से संबंधित दुकानें हैं, या फिर जो ट्रैक्टर के जो थ्रेशर और जो अलग अलग जो खेती के उपकरण है उनसे संबंधित जो सामान है उनकी दुकानें खुली हुई हैं। तो इस तरह से कुछ जो परमिशन दे रखी है वही सड़कों पर ज्यादातर दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो सड़कों पर बेवजह घूमता दिखाई देता है उसका पुलिस चालान भी काट रही है। अभी मैं गीता चौक पर खड़ा हूँ, यहाँ भी यही स्थिति है अभी, तो पुलिस कर्मचारी ऐसे लोगों का चालान भी काटते हैं। इसके अलावा गाड़ियां भी इम्पोर्ट की जा रही है लॉकडाउन को पालना करवाने के लिए। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब संक्रमण का खतरा इस कदर ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की यहाँ पर, तो फिर ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है।
तो कोरोना से जंग अगर लड़नी है तो आपको बस इतना करना है कि आपको घरों में रहना है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें, और मदद करनी है हमारे कोरोना वॉरियर्स की जो कि फ्रंट लाइन पर रहकर आपके लिए खड़े हैं ताकि आप कोरोना बीमारी से बच सकें।